फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मास्क बनाना सीखेंगे। ये मैंने कपड़ा काट लिया है, ये कॉटन का कपड़ा है। ये मैंने 15 इंच लंबाई ली है और 8 इंच चौड़ाई ली है। आप भी ऐसा कोई भी कॉटन का कपड़ा काट सकते हैं। अब इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे थोड़ी थोड़ी सी दोनों तरफ। इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये मैंने इलास्टिक ले लिए हैं। ये मैंने 7 इंच का एक इलास्टिक काटा है। ऐसे हम 2 इलास्टिक लेंगे। आप अपने फेस के नाप के हिसाब से भी इसको कम ज़्यादा थोड़ा सा कर सकते हैं। अब हम इस इलास्टिक को इसके अंदर से लगाएंगे, जो ये गेप है इसमें से। इसी का ही दूसरा कोना। इसी तरह से हम इधर भी ये इलास्टिक लगा देंगे। इसको हम फोल्ड कर इसमें से निकाल लेंगे। इसको हम इसमें से निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पे सल लगाएंगे, प्लेट्स लेंगे। ये हम इस तरह से यहाँ ऊपर हम करीब 1 इंच का छोड़ देंगे और 1 प्लेट्स ऐसे डालेंगे, 1 प्लेट्स ऐसे, 1 प्लेट्स ऐसे। कॉटन कपड़े में प्लेट्स आसानी से बन जाती हैं। फिर हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये हमारी सिलाई लग गई है। इसी प्रकार ये सल हम यूं लेके इस साइड भी
इसी तरह से प्लेट्स बना के हम सिलाई लगा देंगे। हम यहाँ पे भी एक सिलाई लगा देंगे। हाँ, इस तरह से हमारा दोनों तरफ हमने सिलाइयाँ लगा ली है। ये मास्क रेडी हो गया है, लेकिन अभी अभी यहाँ पे ये खुला हुआ है, तो इस पे भी हमको एक सिलाई लगानी है। इस तरह से ये मास्क रेडी हो गया है। आप घर बैठे ऐसा मास्क बना सकते हैं। ये मैंने डबल कपड़े में बनाया है, आप सिंगल कपड़े में भी बना सकते हैं, और आप अपने बच्चों के लिए छोटा मास्क भी बना सकते हैं। ये मैंने मेरी बेटी के लिए तैयार किया था, ये छोटा मास्क है। इस तरह से आप रेडी कर सकते हैं। अच्छा लगा हो ये मास्क बनाना तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।